सो हियर इज द माई टूडेज अर्निंग, आज का ये मेरा कमाई है स्विगी से। हम लोग तो कोशिश तो कर रहे हैं कस्टमर को सही टाइम पर पहुंचाने का, लेकिन ना ट्रैफिक यहाँ पे पता, लेकिन अभी डेवलपमेंट के नाम पे पूरा पेड़ को यहाँ से काट दिया गया है। अभी देखो तो है गाइस, फिलहाल मैं अपना दूसरा ऑर्डर लेके यहाँ लोकेशन पे आ चुका हूँ, लेकिन कस्टमर को मैं 5 बार से भी ज़्यादा कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहा। तो ऐसा होने से काफ़ी गुस्सा भी आता है, काफ़ी दुख भी लगता है। इसलिए आप लोग भी ज़िंदगी में अमीर मत बनो, मिडिल क्लास ही रहो, लेकिन अपना मेहनत से कमाओ अपना सुकून के लिए। जैसा कि वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो टुडे आफ्टर गैप ऑफ मंथ्स, आज मैं फिर से जा रहा हूँ पार्ट टाइम काम करने एज ए स्विगी गाय। वैसे मैं पहले भी ये काम काफ़ी बार कर चुका हूँ, बट मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, मैं बस पार्ट टाइम करता हूँ जैसा मुझे जब भी वक्त मिलता है, या फिर जब भी फेस्टिवल्स वगैरह का कुछ छुट्टी रहता है। जैसा अभी हम लोगों का दुर्गा पूजा का हॉलीडेज चल रहा है। सो बीइंग ए सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट और इतना बिग सिटी में रहने का ये भी एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट्स होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई आपको जज करने वाला नहीं, कोई आपको पीछे बोलने वाला नहीं। यानी कि एक तरफ सारी दुनिया और दूसरी तरफ आप होते हो, यानी कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ का पीछे भाग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का पीछे भाग रहा है। सो ऑल्सो आई विल शो यू हाउ यू कैन अर्न थ्रू दिस प्लेटफॉर्म और हाउ मच यू कैन अर्न थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। वैसे तो आप लोगों को सभी को स्विगी जोमेटो या फिर सेटोपिक्स के बारे में तो पता ही है, और आप में से कोई भी कर सकते हैं ये काम। थोड़ा बहुत तकलीफ है लेकिन करना काफ़ी आसान है, बस आपका थोड़ा सा एनर्जी जाएगा। आप इस काम को इजीली करके आप पार्ट टाइम अपना पॉकेट खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आपको थोड़ा बहुत एनर्जी तो देना पड़ेगा, सफ़र में निकला है तो धूप तो ज़रूर होगा, ये बात तो यहाँ में भी थोड़ा बहुत तकलीफ है। ये सब मैं आपको आज पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आप कितना कमा सकते हैं या फिर इस काम को आप पार्ट टाइम करके कितना अर्न कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा एकदम बढ़िया से। एंड एज यूजुअली आज भी स्विगी अपना डिलीवरी पार्टनर को पर ऑर्डर का एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा है, क्योंकि फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। एंड चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, विश्वकर्मा हो, चाहे कोई भी हो, न्यू ईयर हो, यानी कि जो कैलेंडर में ओकेशन आता है, जो कैलेंडर में हॉलीडे आता है, उस ओकेशन पे आपको स्विगी हमेशा ऑफर देता है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज देता है अपना डिलीवरी पार्टनर को। तो ये काफ़ी एक अच्छा बात है। सो मेरा आज का अर्निंग थोड़ा, हालांकि नॉर्मल देश का अर्निंग से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पर ऑर्डर का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है इसलिए। तो फिर भी आज आप लोगों को दिखाऊँगा। भाई ऑर्डर लगा क्या? ऑर्डर लगा क्या? नहीं लगा आज, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर लगा है स्विगी सेम लगा नहीं है। नहीं लगा, गणेशपुरी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो ऐसा पूजा के टाइम पे क्या रहता है कि थोड़ा बहुत ऑर्डर भी मिलना भी मुश्किल होता है, कुछ कुछ मिल जाता है, देखता है कितना मिलता है। सो एज़ यू गाइज कैन सी, मैंने कर लिया है लॉग इन, एंड आज स्विगी अपना डिलीवरी पार्टनर को फर ऑर्डर का एक्स्ट्रा 15 रुपीज़ करके दे रहा है, यानी कि जो मुझे फर ऑर्डर से अमाउंट मिलेगा वो अलग से, एंड साथ ही साथ में स्विगी अपना तरफ से बोनस 15 रुपीज़ करके दे रहा है। सो अभी बस करना होगा हमें ऑर्डर का इंतज़ार। सो एज़ यू गाइज कैन सी मेरा ऑर्डर लग चुका है, अभी मुझे मिल रहा है 58 रुपीज़, वो भी मेरा डिस्टेंस है 5.68 किलोमीटर। टाइम एस्टिमेट दिखा रहा है 17 मिनट्स, डिस्टेंस 5.68 किलोमीटर का मुझे मिल रहा है 58 रुपीज़, एंड एस्टिमेट टाइम मुझे करना होगा 17 मिनट्स। सो चलो इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। मुझे यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन है होटल तक का, यानी कि जहाँ पे जिस होटल पे ऑर्डर लगा है और मैं ऑलरेडी इधर ही हूँ, थोड़ा ही आगे है, इधर है होटल। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है मेरा सबसे आज का पहला ऑर्डर को पिकअप, एज यू गाइस कैन सी। तो अभी यहाँ पे मार लेता हूँ पिकअप कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे कस्टमर का लोकेशन दिखाएगा, कस्टमर का लोकेशन तक बस इसे दबाना है और ये ऑटोमेटिकली गूगल हमें रास्ता दिखाएगा, एज यू गाइस कैन सी। तो अभी गूगल के सहारे हमें कस्टमर के लोकेशन तक जाना होगा। तो चलो पहले कर लेता है अपना काम पूरा, कस्टमर तक सेफली पहुंचाना है फूड को, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देखो गुवाहाटी में भी ऐसा रास्ता होता है, इतना बड़ा सिटी में भी ऐसा रास्ता मिलता है आपको। हे 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 हे।
तो अभी फ़िलहाल फ़ोन चुका है कस्टमर के लोकेशन पे, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे प्रेस करना होगा रीच कस्टमर लोकेशन। इसे प्रेस करने पे ये आएगा, यानी कि कस्टमर ने एडवांस पेमेंट नहीं किया, इसलिए मुझे कैश कलेक्ट करना होगा 281 रुपीज़। एंड उसके बाद यहाँ पे रीच कस्टमर लोकेशन दबाने के बाद ही मैं कॉल कर सकता हूँ कस्टमर को, नीड डायरेक्शन। हेलो, हाँ सर, मैं स्विगी से आया हूँ। जी जी, मैं स्विगी से आया हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ, आपका लोकेशन पे हूँ, इधर है ना आपका ये हाउस नंबर 1 के पास ना। हाउस नंबर 1 नहीं, आपका मोटर गेज जो फ्रंट वाला है ना। ओ, फ्रंट गेज से आना है मुझे। आप पीछे देखिए तो तो यहाँ पे मैंने आइटम को कस्टमर को हैंडल भी कर लिया है और कस्टमर ने पेमेंट भी कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पे बेसिकली मारना होगा डिलीवरी कंप्लीट। यस, तो देखिए डिलीवरी कंप्लीट होते ही मुझे मिला ₹58 और ₹15 बोनस गो टू होम पेज। तो कुछ ऐसे ही होता है प्रोसेस। सो फिलहाल अभी थोड़ा देर कर लेते हैं ऑर्डर का वेट, क्योंकि पहला ऑर्डर लगने के बाद फिर थोड़ा रुकना पड़ता है। अगर ऑर्डर आपके एरिया में कम प्लेस हो रहा है, यानी कि कम आ रहा है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी वेट भी करना पड़ता है, आधा से एक घंटा तक भी वेट करना पड़ सकता है आपको। तो पहला वाला लोकेशन पे मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे ऑर्डर नहीं लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा से आगे आ गया। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा आगे आने के बाद मुझे एक ऑर्डर फिर से मिल गया, तो अभी इसे एक्सेप्ट करना होगा। इनका भी सेम है ₹54, 519 किलोमीटर्स में, नॉट 500, 5.19 किलोमीटर्स में मुझे ₹54 मिलेगा और साथ में 15 सर्च यानी कि बोनस। सो इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अभी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है होटल का नाम है, यानी कि रेस्टोरेंट का नाम है लंच बॉक्स मील्स एंड ताली। लोकेशन मार देता हूँ। यस, तो है गाइस, फिलहाल मैं अपना दूसरा ऑर्डर लेके यहाँ लोकेशन पे आ चुका हूँ, लेकिन कस्टमर को मैं 5 बार से भी ज़्यादा कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहा। तो ऐसा होने से काफ़ी गुस्सा भी आता है, काफ़ी दुख भी लगता है। लोग ऐसा क्यों करता है? कुछ लोग एक्चुअली ऐसा करता है कि स्विगी जोमेटो में ऑर्डर मार के ऑर्डर करके वो लोग क्या करता है कि मोबाइल को साइलेंट पे रख देता है या फिर मोबाइल को कहीं दूर पे रख देता है, तो उससे हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हेलो, हाँ मैडम, हाँ मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपका कॉल तो आप पिकअप करता नहीं है। मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपका हाउस नंबर 26 है ना। हाँ, मैं इधर नीचे, मैं नीचे हूँ। फोर्थ फ्लोर में नीचे एक दस्तर गाड़ी खड़ी है ना। नीचे एक दस्तर गाड़ी खड़ी है। आपका लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी से आना होगा। हाँ जी, ठीक है। ऊपर से घर में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहा है, अभी ऊपर में पाइप फ्लोर में आने के लिए बोल रहा है। तो चलो कोई नहीं, हम लोगों का ड्यूटी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट फ़ोन वगैरह टिक तक सिर्फ सही समय में पिकअप करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तीसरा ऑर्डर छोटा ऑर्डर के लिए भी जाना है। अभी सीढ़ी से फिफ्थ फ्लोर, ये कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो भी नहीं है ना, लिफ्ट भी नहीं है। फाइनली दूसरा ऑर्डर भी कम्प्लीट। ऊपर से कस्टमर 2 times कॉल कर चुका है कि ऑर्डर लेट हो गया करके, तो यहाँ पे ऊपर से ये ट्रैफिक हिलने भी नहीं दे रहा है हम लोगों को। एज यू गाइस कैन सी, इतना ट्रैफिक लगा है ना आधा घंटा से, हिल भी नहीं रहा है। तो हम लोग तो कोशिश तो कर रहे हैं कस्टमर को सही टाइम पे पहुँचाने का, लेकिन इतना ट्रैफिक यहाँ पे। हुई, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट इज योर नेम? Okay, where is your clothes? Where is your clothes? Clothes. Clothes. Okay. Nice. You look beautiful. You look handsome. Yes. So finally, मेरा तीसरा order भी हो चुका है complete. So एक समय था जब इस line पे काफ़ी बड़ा बड़ा घास हुआ करता था, बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था, तब यहाँ पे
छाया में बढ़िया से बेच सकता था, लेकिन अभी डेवलपमेंट के नाम पे पूरा पेड़ को यहाँ से काट दिया गया है। अभी देखो इस एरिया में पहले थोड़ा बहुत ठंड भी लगता था घास फूस के कारण, अभी पूरा घास फूस को उड़ा दिया तो काफ़ी गर्मी भी होता है इस जगह और पॉल्यूशन भी ज़्यादा है इधर धूल मट्टी। तो अभी इस जोन पे आधे घंटे से ज़्यादा हुआ मेरा रुका हुआ, तो यहाँ पे और देर नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा फिर आगे जाना पड़ेगा, तभी शायद और देर लगेगा। ठीक है, आप यहाँ रुकते रहना, मैं आगे जाता हूँ। फाइनली मेरा छोटा ऑर्डर भी हुआ कंप्लीट, सो पांचवा ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। कौन सा भैया, ये कितने का है? ये हाथी को तरबूज। वाह, पूरा चबाता है। कहाँ से आया? इधर और नहीं है, क्या खाएगा? सेब खाएगा। बाय बाय। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 आवर, अभी तक एक भी ऑर्डर लगा नहीं है। पांचवा ऑर्डर के बाद अभी तक एक भी ऑर्डर लगा नहीं है। मेरा लंच वाला शिफ्ट कंप्लीट हो गया, अभी मैंने बुक किया है स्नैक्स का शिफ्ट, जो कि रहता है 4 से 7 बजे, फिर 7 से लेके रात तक डिनर का रहता है। तो डिनर में थोड़ा बहुत ज़्यादा लगने का चांसेस है एंड लंच में ज़्यादा लगता है। एंड आप लोगों को बता दूँ, स्विगी जोमेटो जो भी है, ये इसका एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है बोलने से, आप एनी टाइम कर सकते हो, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है। आप एनी टाइम लॉग इन करके कर सकते हो, आपको जब करने का मन नहीं करे तब आप आराम से लॉग आउट करके ऑफलाइन में आप जहाँ जाना है अपना काम कीजिए, घर में बैठा रहे 5-5, 6-6 महीने तक, आपका मर्जी। बस आपका आईडी एक बार बन गया तो वो लाइफ टाइम रहता है, तो आप जब भी काम करना चाहे आप लॉग इन करके काम कर सकते हैं। तो तब तक ये मैंने अपना फ़ोन का बैटरी को भी चार्ज पे लगा लिया है, पावर बैंक। जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं हम लोगों को पावर बैंक लेकर घूमना पड़ता है, वरना बैटरी का जो मोबाइल का बैटरी है वो इतना लास्टिंग रहता नहीं है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता नहीं, इसलिए पावर बैंक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये आज का हाईएस्ट है फर्स्ट ऑर्डर से मिला मुझे। टंटाटा, देखो फर्स्ट ऑर्डर में 148, लेकिन काफ़ी हेक्टिक भी हुआ इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, ऑलमोस्ट 2 आवर का समय लग गया। कभी ये शहर 9 बजे के बाद काफ़ी सुनसान पड़ जाने वाला, आज 10 बजे के बाद भी इतना ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल टाइम ऑलमोस्ट 11 बज चुका है, 10:30 पार हो चुका है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ये है दुर्गा पूजा का असर। तो मेरा तो काम करते करते कब रात हो गया, कब इतना 10:30 बज गया, हमको तो अंदाज़ा ही नहीं लगा। एक घंटा से यही में फंसा हुआ है, नो ऑप्शन। तो है गाइस, आई एम क्वाइट फॉर टुडे, हमसे आज और नहीं हो पाएगा। हेलमेट भी ज़्यादा देर तक पहन के रखने की वजह से सर भी दुख रहा है, माथा भी दर्द कर रहा है, और मास्क भी ज़्यादा देर तक पहन के रखने की वजह से पूरा खान भी दर्द कर रहा है। बट स्टिल स्विगी वाला 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर ऑर्डर का दे रहा है। वैसे हम दिन से भी कुछ खाया नहीं था, और साथ ही साथ में अभी का जो माहौल है 2-3 बजे तक तो ऐसा ही ट्रैफिक रहेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में लोग अब भी 12 बज गया, अभी 12 बजे वो लोग घर से निकल रहे पूजा देखने के लिए, तो सोच कर देखिए अभी सुबह तक तो जाम रहेगा। तो हमको लगता नहीं कि आगे और अगर करने से भी ये सिचुएशन सही से करने देगा, जैसा हमको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और 200-300 रुपये के लिए इस झमेला में पड़ना मेरा लिए ये आइडिया सही नहीं लग रहा है, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर। बट उससे पहले मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा मैंने कितना ऑर्डर मारा और कितना समय आज स्विगी में दिया और मुझे कितना अर्निंग हुआ, ये सब मैं आपको अभी डिटेल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा, आप लोग अच्छा से देखिए। सो हियर इज़ द माई टूडेज अर्निंग, आज का ये मेरा कमाई है स्विगी से। एज यू गाइस कैन सी, ये है मेरा आज का कमाई, आप लोगों को डिटेल से दिखाएगा। यहाँ पर मेरा ड्यूटी हावर्स हुआ है 11.25 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 12 घंटा मैंने काम किया आज। और कितना ऑर्डर मारा आप लोगों का अभी काउंट करके बताएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पे मल्टीपल मारा 17 17 ऑर्डर मारा और 17 ऑर्डर से मुझे ट्रेवल फे मिला 687 और बोनस मिला 455 रुपीज़ एंड आज का टोटल इनकम है मेरा 1142 रुपीज़ एज यू गाइस कैन सी। तो आज मेरा इजीली मेरा पेट्रोल में तो 150 रुपीज़ माइनस हुआ है एंड 1000 रुपीज़ मेरा इजीली आज का इनकम है एज यू गाइस कैन सी। सो काफ़ी मेहनत के बाद जब अपना टोटल अर्निंग चेक करने से काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, एक ऐसा सुकून मिलता है जो शायद ही हमको अभी कोई आके 5000 रुपीज़ देगा तो इसका जैसा सुकून मिल पाएगा, क्योंकि अगर कोई हमको 5000 रुपीज़ देगा हम उस आदमी को थैंकफुल ज़रूर होगा, लेकिन ये जो अभी हम फील कर रहे हैं 1000 रुपीज़ कमा के भी जो हम सुकून फील कर रहे हैं, ये हम उस वाला 5000 से हम कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपना मेहनत से किया है। इसलिए आप लोग भी ज़िंदगी में अमीर मत बनो, मिडिल क्लास ही रहो, लेकिन अपना मेहनत से कमाओ अपना सुकून के लिए। जैसा कि आपने देखा कि मेरा 50-50 रुपया करके टोटल मिला जुला के 1000 रुपीज़ हुआ। ऐसा कहता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसा ही मेरा आज थोड़ा करके एक एक ऑर्डर से मेरा आज 1000 रुपीज़ हुआ, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी बढ़िया बात है। सो देन गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर। आप लोग भी ऐसा ही मेहनत कीजिए एंड अपना हेल्थ को ध्यान दीजिए, हेल्थ है तो वेल्थ है। सो बाय बाय।